सो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सॉन्ग करण हमारे काफी ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है और मतलब अभी भी उस पे नाचने का मन कर रहा है। थैंक यू सो मच। तो बताइए, कैसे आपको मतलब कैसा लगा सॉन्ग शूट कर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अमेजिंग रहा एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज समथिंग विच आई हैवन डन बिफोर। मतलब मैंने म्यूजिक वीडियोस पहले तो किए हैं लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा दिस इज़ माय न्यू अवतार आप जिसे कह सकते हो। इस सॉन्ग में जो सबको देखने को मिल रहा है, इट्स मोर ग्लैमरस, इट्स वेरी नाइस एंड द म्यूजिक इज ऑल्सो वेरी कैची, वेरी अपबीट एंड आई एम गेटिंग लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम ऑल माई फैंस। द गुड थिंग इज दैट यू नो दे एक्सेप्टेड मी इन माई न्यू अवतार एंड इट्स वेरी ग्रूवी एंड दे लाइकिंग द म्यूजिक एंड इट्स मोर लाइक अ क्लब नंबर, पार्टी नंबर, सो एवरीबडी इज रियली लाइकिंग माई डांस मूव्स। और मुझे ना, मुझे डांस करना इतना अच्छा लगता है, डांसिंग इज माई पैशन एंड इन दिस वीडियो आपको खूब सारा मेरे डांस मूव्स दिखेंगे एंड या विद माई नाइस एक्सप्रेशंस। सो फैंस एक्चुअली सेड दैट दे रियली लाइक माई एक्सप्रेशन एंड डांस मूव्स, सो आई एम वेरी हैप्पी। आपको मतलब ये सॉन्ग किस तरीके से ऑफर हुआ, मतलब बताना चाहें कैसी रही सॉन्ग तक पहुंचने की जर्नी आपकी? एक्चुअली म्यूजिक वीडियोस की एक अलग ही जर्नी चल रही है, मतलब टीवी शोज एंड अदरवाइज वेब शोज वगैरह तो चल रहे हैं लेकिन साथ साथ अब म्यूजिक वीडियोस भी चल रहे हैं। और बेस्ट पार्ट होता है म्यूजिक वीडियोस का कि ये ना एक दो दिन में आपके शूट ख़त्म हो जाती है। ऑफ कोर्स कभी कभी इसके पहले भी जो मैंने म्यूजिक वीडियोस किए हैं उसकी शूट दुबई में, एक म्यूजिक वीडियो की शूट दुबई में हुई थी, एक की थाईलैंड में हुई थी, लेकिन ये वाली करंट मारे बॉम्बे में हुई है। सो मुंबई में एक क्लब है, वहाँ पे वी शॉट फॉर दिस एंड तो ये म्यूज़िक वीडियो बेसिकली इज फॉर जी म्यूज़िक कंपनी एंड इसके पहले जो मेरे दो म्यूज़िक वीडियोस लॉन्च हुए हैं तो मेरे ख्याल से दे सॉ मी, लाइक फ्यू पीपल सॉ मी देयर एंड दे रियली लाइक्ड इट, जो इसके पहले वाले मेरे म्यूज़िक वीडियोस थे, तो वो देख के फिर मुझे ये वाला म्यूज़िक वीडियो ऑफर हुआ। बहुत ही ज़्यादा, लाइक पीपल आर सेइंग दैट दे आर रियली लाइकिंग मी एंड इट्स वेरी ग्लैमरस, इट्स वेरी, सो मेरे को किसी ने बोला था कि हाँ दैट उम फैक्टर दे कैन सी इन द वीडियो एंड दे रियली लाइकिंग इट, सो आई एम लाइक ओके दिस इज़ वन ऑफ द गुड कॉम्प्लीमेंट्स आई हैव एवर गॉट। सो आई एम लाइक हाँ अच्छा, मतलब दे आर लाइक it's really nice and we want to dance on this song and your dance moves are so good, so I'm like yeah I'm very happy। आपके परफॉर्मेंस मैम हमेशा अच्छे रहते हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो अगर तुम ना होते जो जी टीवी पर आपका लेटेस्ट शो जो आया था उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर तुम ना होते, वाज वेरी नाइस। मेरा कैरेक्टर नियति का था एंड शी वाज अ नर्स एंड बेसिकली स्टोरी ये थी कि नियति अभिमन्यु जो मेंटली अनस्टेबल है उसको संभालती है एंड आगे जाके फिर उससे शादी कर लेती है। सो ये बहुत ही इट वाज अ वेरी नाइस रोमांटिक लव स्टोरी और बहुत ही ग्रिपिंग थी। ऑडियंस को आई थिंक पूरा शो बहुत ही अच्छा लगा और अभी ये शो रिसेंटली मुझे पता चला कि अरेबिक में डब होकर इट्स कमिंग इन मिडिल ईस्ट और दुबई उबई में सब ऐसा ये जा रहा है शो, तो इट्स नॉट जस्ट इन इंडिया बट इट्स यू नो ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, सो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। सो या इट्स अ नाइस फीलिंग यू नो व्हेन पीपल वॉच योर शो एंड अभी तक मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि सीजन टू आना चाहिए अगर तुम ना होते, आई एम लाइक या आई होप सो लाइक या। अब अगर ग्लैमर और एंटरटेनमेंट के अलावा बात करूँ तो फिटनेस भी मतलब आपको काफी पसंद है और आपने प्रो कबड्डी लीग भी होस्ट किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप स्पोर्ट्स के बारे में? फिर एक्चुअली अगर तुम ना होते के बाद आई वाज लाइक मेरे को ना मज़ा आता है, आई लाइक डूइंग डिफरेंट स्टफ ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो अगर तुम ना होते वॉज ऑन जी टी वी, तो उसके बाद मुझे लगा कुछ डिफरेंट करते हैं। सो देन आई जॉइन स्टार स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे मैंने एंकरिंग करी प्रो कबड्डी लीग की। तो हम लोग, मैं हर रोज़ स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिस में जाती थी और वहाँ पे स्टूडियोज़ हैं और वहाँ पे सिर्फ कबड्डी नहीं क्रिकेट भी, तो आपका जो आईपीएल होता है, आपका पीकेएल हो गया प्रो कबड्डी लीग, फुटबॉल हो गया, सब उन्हीं स्टूडियोज़ में शोज़ उसके रिकॉर्ड होते हैं, शूट होते हैं एंड फॉर मी इट वॉज लाइक अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। आई मेट इरफान पठान सर, आई मेट हरभजन सिंह सर, सो लाइक ये भज्जी एंड जैसे मेरे साथ और भी कितने सारे क्रिकेट फैंस हैं, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, पता है मैं इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स से मिली और वो वहाँ पे आते हैं एंड उनको ये पता चला सबको, लाइक भज्जी सर गॉट टू नो दैट आई एम नोबिता, सो इट वाज नाइस।
फिर मैं अपनी नोबिता की आवाज़ में उनसे बात कर रही थी, उनको ऐसे बता रही थी डायलॉग्स वगैरह, एंड एवरीबडी एल्स ऑल्सो वॉज वेरी स्वीट, लाइक द होल टीम वॉज वेरी स्वीट देयर. तो बहुत मज़ा आता था वहाँ पे, मेरे लिए एकदम एक डिफरेंट स्पेस था. और मुझे एंकरिंग करके फॉर स्टार स्पोर्ट्स, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था हर रोज़ मैं स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर आ रही हूँ, एंकरिंग करती हूँ. सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई लर्न्ड ऑल्सो अलॉट फ्रॉम दैट. मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और अगर मैंने टीवी सीरियल में काम किया आपने मुझे वहाँ ढेर सारा प्यार दिया है, जब मैंने जैसे स्टार स्पोर्ट्स की एंकरिंग करी है आपने मुझे वहाँ ढेर सारा प्यार दिया है, अगर मैंने जैसे कोई भी एक वेब शो किया, अभी ट्रैवल शो किया आप सबने वो भी देखा, उसको बहुत पसंद किया, आप नोबिता को तो पसंद करते ही हो, तो आपने मेरे अलग 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 अवतार में मुझे पसंद किया है, और अभी ये म्यूज़िक वीडियो जो करंट मारे आया है उसमें भी मेरा एकदम डिफरेंट अवतार है, आपने मुझे उसमें भी एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, सो और सपोर्ट किया और ढेर सारा प्यार दिया. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे ये ढेर सारा प्यार देते रहिए, और बस बस आप बस ये प्यार और सपोर्ट की बारिश करते रहिए, और ये कभी मत रोकना.